welcome back new video. हम जाने मॉर्निंग राइड पे जाने का सोच रहे हैं एंड ये हमारी आरसी खड़ी है एंड अब इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, इसमें अभी बेसिकली तीन इशू आ रहे हैं। एक तो हमारी चेन बहुत लूज है, देख रहे हैं कितनी सड़ी हुई, कितनी ज़्यादा लूज है, तो चेन टाइट किया जाएगा। एंड प्लस इसका एग्जॉस्ट यहाँ से देख रहे हैं, जो हमारा टोप लगा हुआ है इतना लंबा सा, ठीक है। एंड ये देख रहे हैं हिल रहा है, इसकी पाइप लूज हो गई है बेसिकली, ये यहाँ से लीक कर रहा है, यहाँ से देखें तो देख रहे हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ से लीक कर रहा है, तो इसको गोंद गोंद लगा के एंड इसका काम कंप्लीट करते हैं। ओके, ये रहा इसका एग्जॉस्ट एंड अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग को ग्लू लगा के वापस लगा देंगे, तो ग्लू ग्लू लगाया जाए एंड देन चेन का आपको दिखाते हैं नेक्स्ट एग्जॉस्ट आपको सेटअप कंप्लीट करके। 1 2 3 टर्न, तो एग्जॉस्ट लग गया वापस, पूरा टाइट है, कहीं हिल नहीं रहा, पाइप्स नहीं हिल रही। एंड अगर मैं यहाँ से भी ना नहीं कोशिश करूँ नो मैन सेंसर की साइड से नो nope. अब देख रहे हैं बाइक हिल रही है, एग्जॉस्ट हिल रहा है पूरा, तो ये परफेक्ट हो गया। अब चैन का काम करते हैं एंड देन आपको बाइक पे मिलता हूँ, चैन साफ करके आएंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे एंड बाइक पे मिलता है। तो बाइक पे आ गए कराट से, हम लोग स्प्रॉकेट की बात करने वाले हैं एंड अभी तक आप लोग को नहीं मालूम हो तो हमने ये चैन बाहर की लगी हुई है एंड ये पतली चैन है एंड पहले से काफ़ी मोटी पतली चैन बोल सकते हो। एक बार आपको अभी चैन काफ़ी क्लीन भी हो गई है, हम लोग ने एकदम चमका दी है एंड आपको एक बार चैन दिखा भी देता हूँ। तो ये चैन लगी हुई है एंड ये मेरा पतला वाला स्प्रॉकेट लगा, देख रहे हैं कितनी पतली चैन है, बहुत पतली सी चैन है, ऐसा लगता है साइकिल की चैन लगी हुई है बट साइकिल की चैन है नहीं, ये एसी की चैन है। एंड तो अब गियरिंग की बात की जाए तो ये है कंपनीज आती है 1545 एंड ये है 1542, तो तीन टी कम है पहले से, तो इसमें पर गियर हम लोग को स्पीड ज़्यादा मिलती है एंड ये फ़ायदा होता है। कैसे अभी और धीरे करें मिल जाए तो बात है, अभी वहाँ भी टर्न है, तो इसका पहला गियर अब पहले 50 जा रहा था, 60 जा रहा है, इसके तो 90 जाता है इसका सेकंड गियर। थर्ड गियर अभी आपको थर्ड गियर के भी दिखा देते हैं, थोड़ी सी रूट खाली मिलने दीजिए, क्या चूची हुई गला चला रहे हो यार, ब्रेक इतना मार रहे हैं लोग, चौथी की स्पेस नहीं है बट आई थिंक आई कैन टच फोर्थ। तो थर्ड फोर्थ गियर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर की बात कर लेते हैं, तो 10 का फ़र्क है ऑलमोस्ट हर गियर पे। फोर्थ गियर बहुत एक्सट्रीम है एंड बहुत लंबा है, इतना लंबा हम जा नहीं पाएंगे, तो 10 का मार्जिन है एंड ये स्प्रॉकेट मेरे को कॉस्ट किया गया है ऑलमोस्ट 40,000 45,000 एंड स्प्रॉकेट का एंड एल्यूमिनियम का स्प्रॉकेट है, एसएस नहीं है, तो बहुत लाइट वेट है, 300 ग्राम का पीजे का स्प्रॉकेट है एंड कॉर्नरिंग लेने में तो मज़ा ही आ गया। अब इस व्हील के साथ तो काजा भैया बच्चे लोग थे बट मैं रोक नहीं सकता, पीछे फीम ना हो जाए क्योंकि यहाँ पुलिस बहुत आती है। तो करीबन करीबन 1 किलो 1.5 किलो तो सिर्फ इसने चैन पॉकेट से लूज़ किया है, फिर इसके बाद स्प्रॉकेट का गियरिंग मेरे को हेल्प की है,
तो इसकी वजह से मैंने अपनी डेडलाइन इंक्रीज नहीं की है। मेरी डेडलाइन स्टॉक 10,500 आरपीएम पे ही है एंड डेडलाइन इंक्रीज इतम नहीं हुई है, सेम डेडलाइन है, सेम सब कुछ है, जस्ट मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई है एंड थोड़ा सा मेरा पिकअप कम हो गया है, बट दैट्स फाइन। मेरी बाइक ऑलरेडी इतनी बनी हुई है कि मेरे को इतना फील नहीं होता, ये फ़र्क है इतना सा। तो एक शॉर्ट वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इसकी टॉप स्पीड लाने वाला हूँ बहुत जल्द, बस थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि मौसम अच्छा हो जाए। अभी बारिश का बहुत सीन चल रहा है, किस दिन बारिश रुक जाती है उस दिन मैं इसकी टॉप स्पीड भी ले आऊँगा।